हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को CSE में रजिस्टर्ड करते हैं तो वहां पर हमें इनवैलिड सीरियल नंबर का एरर दिखाता है। इसका क्या कारण है दोस्तों और इसका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूँगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम अपने रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर आ गए हैं और जहाँ पर हमें अपना पहले तो फिंगरप्रिंट डिवाइस को सिलेक्ट करना है, जहाँ पर अपने डिवाइस नेम सेलेक्ट करनी है, जहाँ पर हमें मॉडल फिल कर देना है, जैसे कि मेरा MSO 1300E2 है, और जहाँ पर हमें अपना डिवाइस सीरियल नंबर फिल करना है। जैसे कि मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि मुझे सीरियल नंबर हमें कहाँ से मिलेगा। तो आपको सीरियल नंबर अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस के बैक साइड से मिलेगा, और मैंने अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस की फ़ोटो ले रखी है जो आपको मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पर हमें मुझे दिखा रहा है मेरा मॉडल, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और डेट। आपका JPN तो पार्ट नंबर है और SN सीरियल नंबर है। तो हम ये सीरियल नंबर जहाँ पर फिल कर देते हैं। जब हम ये देखें दोस्तों, आपको क्या एरर आएगा, आपको ये एरर आता है इनवैलिड सीरियल नंबर। इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि आप सीरियल नंबर देख सकते हैं 1710 जाए आई है दोस्तों, 1710 के बाद आई है। आपसे कई भी अली भाई क्या कर रहे हैं, आई की जगह वन फिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एरर हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी CSE में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस की। तो आप वन की जगह आई फिल करिए, ना कीजिए वन, क्योंकि वन और आई में बहुत जो थोड़ा फर्क ही है, हमें ये आई भी बन लगती है। तो हम दिखा देते हैं आपको वन से फिल कर, आई से फिल करके 1710 आई। ये देखिए मैंने पहले से कर रखा है और मैं करता हूँ। देखिए दोस्तों मुझे क्या दिखाता है, डिवाइस सीरियल नंबर अवेलेबल। तो देखिए दोस्तों, अब हमें पार्ट नंबर फिल करना है, पार्ट नंबर फिल करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पर स्टार मार्क नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर हमें अपना नेम, जहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जहाँ पर हमारी ई मेल आई डी, आप चाहे तो डी जी मेल वाली भी डाल सकते हैं और जी मेल वाली भी। वैसे तो आप अपनी डी जी मेल वाली आईडी इसमें डाल दीजिए, क्योंकि इसमें हमें CSE से रिलेटेड काम करने हो, CSE से हमें डी जी मेल वाली आईडी मिली हुई है, तो हम इसे अपनी डी जी मेल वाली आईडी इसमें डाल देंगे और जहाँ पर कैप्चा फिल कर हम सबमिट कर देंगे तो हमें वो एरर नहीं आएगा और हम अपने CSE में फिंगरप्रिंट डिवाइस को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर सकेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अली भाई तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।